अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नगीना कुकिंग सीक्रेट। वेजिटेबल एग पराठा नाश्ते की डिश है ये। इसके लिए हमें मैदा चाहिए था, टमाटर प्री कटे हुए, प्याज, गाजर, पुदीना बारीक कटा हुआ, अदरक, कटिंग देख लें इतनी बारीक होनी चाहिए, अदरक की भी कटिंग ये बारीक है। कसूरी मेथी, सब्ज मिर्ची है कटी, 5 मिर्ची है सब्ज, रेड मिर्ची है, जीरा, नमक, अंडे है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। टमाटर ऐड किए, प्याज ऐड किए, अदरक, पुदीना, गाजर है बारीक कटी, सब्ज मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी, अच्छे से इसको मिक्स कर लें, रेड मिर्च 1 चम्मच है, 1 चम्मच नमक ऐड किया है, और 1 प्याली मैदा ऐड कर रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अंडे ऐड कर रहे हैं, मिक्सी कर रहे हैं। पानी ऐड किया है, यहाँ पे हमने थिक बैटर नहीं बनाना, लूज बैटर बनाना है। बहुत सॉफ्ट
बनेंगे ये पराठे। आपने कभी इतने सॉफ्ट पराठा नहीं खाया होगा, नरम खोए की तरह। ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स करना है, दो मिनट इसको ना अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना इसमें रह जाए। अब इसको ना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख देना है, फिर बताते हैं कैसे पराठे बनने हैं। पैन को हमने गरम कर लिया है और ऑयल से ग्रीस कर लिया है, बस इतना सा ही हमें चाहिए। इस तरह इसको फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, तेज आंच नहीं करनी। देखें माशाल्लाह, अंडा हमने मिक्स किया हुआ है इसमें, तो इसको ना यूं यूं दबा के आपने, क्योंकि ये फूल जाता है तो दबा के आपने पकाना है इसको, ज़्यादा नहीं दबाना, बस लाइट लाइट। तीस सेकंड पकने के बाद हमने दरमियानी आंच कर दी। जब आप लोग बनाएंगे तो सबकी फरमाइश होनी है कि रोजाना बनाएं। एक साइड से देखिए कितना अच्छा पक गया है, ऐसे ही सारे पराठे बना लेने हैं। कटिंग आप लोग रात को करके रख लें तो सुबह फिर बड़ी आसानी हो जाती है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है।